subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में। आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं, इंडिया के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने तकरीबन 464 T-90 MS टैंक का प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है। तो जी हां दोस्तों, ये खबर CCS की तरफ से आ रही है, जहां पे 135 बिलियन रुपी की लागत से प्रोक्योर किए जाने वाले 464 T-90 MS टैंक, जो कि काफ़ी एडवांस टैंक है, उन टैंक से जो कि इंडिया इससे पहले ऑपरेट कर रहा था, जो कि T-90S है। और आपको बता दूं, ये डील रशिया के साथ कुछ ही महीनों में साइन कर लिया जाएगा। और ये T-90MS एक मेन बैटल टैंक है T-90S की तरह ही, जो कि हमारी इंडियन आर्मी पहले से ही ऑपरेट करती हुई आ रही थी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडियन आर्मी तकरीबन 1650 के अमाउंट में T-90S ऑपरेट करती है। और इस डील को जल्द से जल्द साइन कर लिया जाएगा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन आर्म एक्सपोर्ट एजेंसी रोजोबॉन एक्सपोर्ट के दरमियान। चलिए जान लेते हैं कि ये T-90MS क्यों इतना खास है और कैसे डिफरेंट है T-90S से। तो T-90MS में लगा है 1130 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि पावरफुल इंजन है। इसमें दिया गया है PNM सूचना U, जो कि गनर्स की विजुअल क्वालिटी को बढ़ाएगा। इसमें दिया गया है 7.62 mm का मशीन गन फायरिंग कैपेबिलिटी। और ये जो एक्सप्लोसिव फायर करने जा रहा है, उनको ग्लोनास इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से गाइड किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइजेशन डिस्कार्डिंग सॉबर्ट है APFSDS, वो अब कैपेबल होगा तकरीबन 1100 से लेकर 1300 किलोमीटर दूर ही अपने फिन्स को खोलने में, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और जब वो हथियार किसी दूसरे टैंक पे इंपैक्ट करेंगे, तो वो एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के थ्रू इंपैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है, जो फोर्स है, वो एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाएगा इसके फिन्स में स्टेबलाइजेशन की वजह से। और उसके बाद ये सफल होगा किसी भी आर्मर को पियर्स करने में, मतलब भेदने में। इस टैंक में दिए गए हैं 4 कैमरा, जो कि 360 डिग्री देखने में कैपेबल होंगे। और इसमें दिया गया है थर्मल इमेजर, जो कि किसी दूसरे टैंक को तकरीबन 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.3 किलोमीटर दूर ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी अभी हाल ही में किए जाने वाले T-90MS टैंक की। सब कुछ अच्छा रहता है तो इस टैंक की डील जल्दी साइन कर ली जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस की रेंज को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज को लेके रशियन काउंटर पार्ट से एक जवाब आ रहा है कि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर करने की प्लानिंग चल रही है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के अंतर्गत अचीव करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज होगा, लेकिन जहां तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुराने ही इंजन को फ्यूल की क्वालिटी बढ़ाकर इंजन की कैपेसिटी पे काम किया जाएगा, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक हाइपरसोनिक स्पीड में रह पाएगा। और जिसका परिणाम ये होगा कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने अपने हाल के ही HSTDV के वीडियो में बात की थी कि रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज इंजन में भी हाइपरसोनिक स्पीड अचीव की जा सकती है, लेकिन बहुत कम ही टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है वो कंबसन चैम्बर में हो जाता है, जिसको नोजल में होना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अभी तो हम इतना ही लेके चल रहे हैं कि पुराने ही इंजन की कैपेसिटी बढ़ाकर उसे हाइपरसोनिक स्टेट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जब तक इस पर पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, तब तक यही मान के चलना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो स्क्रैमजेट इंजन लगने वाला है, जिसकी स्पीड 7 Mach तक की होगी, वो ब्रह्मोस 2 के लिए है। तो आज का डिफेंस न्यूज में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।